देखिए भाई, सलार का टीजर अनाउंसमेंट फैंस के बीच काफी तबाही लेवल का थ्योरी का जन्म दे दिया है। ये जो सलार का टीजर का रिलीज टाइमिंग है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण है जिसका कनेक्शन रॉकी भाई की केजीएफ से है। तो आइए जानते हैं आखिर मांजरा है क्या। सो इसलिए इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखना आप। तो भाई, जैसे कि आपको मालूम होगा, कल दोपहर को ही प्रशांत ने ये वाला पोस्टर भेज दिए सलार से, जिसमें उन्होंने लिखा है भैया सलार का टीजर आएगा सुबह 5:12 पर। और इसी टाइमिंग पर काफी लोग शॉक भी हो गए हैं। सच में सुबह सुबह कौन टीजर रिलीज करता है भाई, वो अभी सलार जैसी फिल्म का। और ऊपर से भाई ये प्रभास सर की फिल्म है। आपको याद ही होगा पिछले साल अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर को आदि पुरुष का टीजर रिलीज करने के लिए बड़ा सा रिलीज इवेंट हुआ था अयोध्या शहर में, जहां ओम रावत, प्रभास, कृति सैनन से लेके टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार भी पहुंचे हुए थे। और ये कनाडा वाले हम्बल फिल्म एकदम शांति से सुबह 5 बजे टीजर भेज रहे हैं कोई इवेंट किए बिना। एक्चुअली भाई, सोशल मीडिया के अनुसार इस टाइमिंग के पीछे एक बड़ा कनेक्शन यश भाई की केजीएफ से है। जो सलार का टीजर 5:12 पर आएगा, असल में सेम उसी टाइम पर केजीएफ 2 में रॉकी भाई पर नेवी ने अटैक किया था। यानी 5:12 पर रॉकी भाई का खेल खत्म हो गया था इंडियन ओशियन में मूवी के अनुसार। और उसी 5:12 पर ये लोग सलार का टीजर भी रिलीज करने वाले हैं। देखिए भाई, इतना तामझाम किए हैं प्रशांत नील, तो पक्का इसके पीछे उनका कुछ बड़ा प्लान जरूर होगा ही। क्या पता इसी बात से वो हिंट देना चाहते हैं भैया सलार केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट है और जल्दी हम उनका कोलाइजन करेंगे इस यूनिवर्स के अंदर। और वैसे भी अपने रॉकी भाई ने केमियो कर दिए हैं प्रभास सर की सलार में। ये मार्च के महीना में इटली गए थे केमियो शूटिंग करने प्रभास और प्रशांत नील के साथ सलार का ही। लगता है जो केजीएफ 2 के लास्ट में दिखाया गया था, रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक बहुत से देशों में क्राइम किया है। क्या पता उसी एरा में रॉकी की मुलाकात अपने सलार भैया से हो गई होगी, वो भी इटली में। खैर जो भी हो भाई, बट सलार के आ जाने से पूरे इंडिया में 6 तारीख को बवाल मचने वाला है। शायद सोशल मीडिया ही क्रैश मत कर जाए सलार के कारण। वैसे आपको क्या लगता है, इटली में रॉकी और सलार दोनों ने क्या किए होंगे एक दूसरे के साथ, दोस्ती या दुश्मनी? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताना। और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा। We'll be right back.